देने नुकसान आ गया, कारोबार में नुकसान आ गया, खाना अच्छा नहीं लगता, फिर गुजर को नींद उड़ जाती है इसकी, और यहाँ तक पहुंचा चक्र उम्मत मुर्तद हो रही है, उम्मत के दिन के दिनचर्या निकल रही, उम्मत के दिन के जनाजे निकल रहे हैं, और मेरे बुजुर्ग को हम अपने खाने कमाने में तालुश में लगे हुए, तो यकीन फिर नतीजा ये होगा, दावों को तबलीग को हमने छोड़ के तबलीग को छोड़ दी, अल्लाह मुस्तफा की है, अल्लाह की निया से हमको आपको उसकी जरूरत है, उसको नहीं तुम्हारी जरूरत है, इसलिए काम करा इतना हो इसको मत देखो, बगल बाकी पर निकाल आओ तो पता चलेगा अभी बहुत काम बाकी है, उम्मत बहुत प्यास की, कोई उम्मत के कंधों पर हाथ रखने वाला है, और अगर इससे समझौता करोगे ना मैं बदवा नहीं दे रहा हूं, काम से इलाज करोगे, जान बचाओगे, अभी कितना बड़ा बदमाश में ऐसा है माशाल्लाह, गाँव के तीन दिन की कोई व्यक्ति दे रहा हूँ, मेरे ढाई घंटे का कोई पता है ना, उनकी मस्जिद से कोई उनका मस्जिद और जमा से कोई डॉक्टर सब देना, मस्जिद की आबादी में कोई इनका अमल ना करे ना, कोई मशवरे से इनका ताल्लुक है, जब आदमी हल्का समझता है ना दीन को, दीन की मेहनत को, दावत को, दावत की मेहनत को, तो इसका हल्का पर इसके लिए मैं उनके दरवाजे को रोक देना है, नहीं तो स्वतः दबोगे नहीं हो सकते, जब तक अपनी हर चाहत पर ख्वाहिश हो, हमारे खुद ही काम ही ना करते थे जिनको हमारे रिश्ता सब नहीं करा है, उन्होंने नहीं करना है, अगर समझौता करोगे और ये हमारी ये रवि को इसको दे दे मेरी तुम्हारी लाइफ स्टाइल अगर ले गई ना खतरा इस बात का है कि अल्लाह मेरी तुम्हारी सांसों का दुश्मन बन जाएगा, जिंदगी जहनम बन जाएगी मेरे बुजुर्ग, क्यों अल्लाह को मुसलमान प्यारा नहीं, अल्लाह को अपना दीन प्यारा है, कोई हमला नहीं किया था मुसलमान से और ना ही कोई वादा आया था मुसलमान से, सारे वादे दीन वालों के साथ, ईमान वालों के साथ, आमाल वालों के साथ, इज्जत का वादा, नजात का वादा, सर उतरने का वादा, परेशानी को दूर करने का वादा, हालात को साधगार बनाने का वादा, जिद्दत की बस्ती से निकाल करने से सारे वादे अल्लाह ने दीन की शक्ति के साथ लगाए, और ये दावा को तब्दील की मैंने किसी दीन को जिंदगी में जिंदा करने के लिए, इसलिए अपने को लेकर आओ काम पर, कोई करे ना करे हम करेंगे, हम लेंगे, हम खपेंगे, हमारी जरूरत है अपने साथ से 100% बजरे को हम यहाँ पर मैं यादासी की किश्ती में असर में लेकर आऊंगा, हम 100 किलोमीटर जाना, 100 किलोमीटर आना, उनके मशहूर नमाज से साथी थे वो लोग उठ रहे यहाँ तक आए और हम छाप करके हम जमा हो गए बेटे में अल्लाह हम आपको इतना बड़ा वाला था कि और चार आदमी यहाँ पर और पूरा मर्द साथी इतिहास मेरे बजट इसके बावजूद भी हमारे मकसद का आलम ये तो अल्लाह के आसान को दावत देने वाली चीज है, कफ्ता तो सुस्ती और कोताही और बेफिक्री अल्लाह कह रहा है आलम से को हुआ हुआ तुम कहा कार्य बारामती मारो तुम्हारे दिल में कोई हमारे अहकाम की कदर कीमत ना हो आजकत ना हो और हमारे नबी का दीन निकला दीन की धज्जियां हो रही दीन के जनाजे भी कर रहे हो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बेटियां अपनी उम्मत अपने अरमान अपने ख्वाहिश और अपने शौक को पूरा करने के लिए अपनी मां का सौदा करके और चाहे जिंदगी गुजारे और ये बारामती वाला हमारा अपना काम को लेकर चलने वाला हफ्ता को सुस्ती और कोताही में मुबते रहो और मेरे तुम्हारे दिलो दिमाग पर अंधे मन का पर्दा हफ्ता की चादर पड़ी हुई हो और फिर ये हमारी हफ्ता सुस्ती कोताही बेफिक्री के बावजूद अल्लाह मेरे को और आपको दावत के साथ से मुबारक मैदान में चलाए अल्लाह हम से और आपसे अपने दीन का काम ले अल्लाह क्वेश्चन सवाल खायब कर रहा है ओ बारामती वालो क्या तुम्हारी निगाह में हमारा दिल इतना धड़कना से इतना घटिया है और इतना गिरा पड़ा है तुम काम करना ना चाहो हम तुमसे अपने दीन का काम ले हमारी इस मेहनत में जो चेस्टेड होगा ना तालीम हो जिसको कहते अल्लाह उसको कभी महरूम नहीं करेगा और जो बे और इंटरेस्टेड होगा बेतरफ होगा अल्लाह उसे कभी अपने दीन का काम नहीं देगा असल बड़ी चीज काम कराओ और कुछ भी क्यों ना कहे अपने जात से तो मोटे मोटे हमारे रोजाना के ढाई घंटे रोजाना की मुलाकातें रोजाना का मंजूरा घर और मस्जिद की तारीख महीने के तीन दिन मेरे बुजुर्ग हफ्ते के लिए अपने दो गश्त ये काफी मोटे मोटे आमाल और अपने बाकी हालात कमाई है अपने मोटे मोटे आमाल है पांच वक्त की नमाज है अपना जिक्र है तस्बीह है तिलावत है मौका पाए की वस्तु दुआएं है रोजाना कुछ कुरान पाक की तिलावत है ये मोटे मोटे आमाल पर अगर आ गए उम्मीद है अल्लाह के साथ से जिस दिन मेरा और तुम्हारा जनाजा उठेगा वो ईमान के हालत होंगे
वहां से थोड़े गए थे, बाहर से शहर के नए निकाल निकाल तो नामुमकिन है, नामुमकिन चीज का अल्लाह बंदे को भी मुकल्लफ नहीं करता है। अल्लाह तो कह रहे बंदे की कैपेसिटी ज्यादा उस पर बोझ नहीं डालते, ना ही बल्कि खुदा और मुसलमान ना ये तो आसान काम है, इसलिए जितना बैठा हुआ बैठ पाए ना, ये तो तय करके इंशाल्लाह ये दावत और दावत के जो रेगुलर के था आगे रोजाना के इंशाल्लाह ये पूरा मजमा इसको अपनी जिंदगी का मकसद बनाए। ये हमारे पास इतना मौका नहीं है अभी, ये तुम्हारी सेहत का ही तरतीब बने ढाई घंटे के तक, तुम खुद अपनी तरतीब बनाओ और जो अपनी तरतीब बनाता है फिर उसकी तरतीब नहीं बनाते, क्योंकि अल्लाह की तरतीब बहुत भारी है, उसको पता है इसको पुनः हॉस्पिटल भेजना, रोगी हॉल में भेजना, आगे नर्स में भेजना, मंगेश में भेजना, जब आपकी अल्लाह के दीन के तकाजों से दीन से अपना सामान बचाता है ना, फिर अल्लाह को पता है इसको कौन से हॉस्पिटल में दाखिल करना, अल्लाह जानता है इसको कौन सा बोर्डर कचहरी का चक्कर इसके गले में डालना, इसको कौन से पुलिस चौकी के चक्कर लगवाना, अल्लाह को पता है, अल्लाह हम सबकी जान माल की हिफाजत करे। जब आपने अपनी तशकील नहीं करता तो फिर अल्लाह इसकी और अल्लाह की तशकील के हम लाए अल्लाह के, हम भी उसके सामने खड़े हो सकते, इसलिए मेरे बुजुर्ग को थोड़े पता जो होने वाली जान सीखिए, टूटे टूटे आप आए इसको मजबूती से खाओ, जैसे ये मजमा आया ना, अगर थोड़ी सी आप हफ्ता भर मेहनत करोगे ना तो ये यादगार सिटी में पैर रखने की जगह लेने के लिए हफ्ते वाली शिक्षा इतना मजमा आएगा तुम्हारा, लेकिन वो एक घंटी कौन माने करे कौन मसला करने का है। तो आज तक जितने नफरत हुई सुस्ती हुई कोताही हुई अल्लाह के वो आपको माफ कर दे, लेकिन इतना तो कर लो कि ये मजमा तय कर दे कि इंशाल्लाह जितने मकामी आप आने जिनको बार बार सुनते रोजाना मस्जिद का मशूरा रोजाना ढाई घंटे की मेहनत रोजाना घर और मस्जिद की तालीम मेहनत करके अपने तीन दिन की जमात बनाना अपने साल का छिटा इतमाम के साथ जितने छिटे रहते साल के चार महीने इतमाम के साथ आप इस पर आओ आप यकीन मानो ऐसी जितना मदद उसके दरवाजे खोलेगा क्या कर रहेगा आपके छिटा को भी नहीं अल्लाह के रोजी का मालिक मैं सुबह से शाम तक तुम्हारे बारामती में आदमी कार्य मिट्टी में काम करता है बेपड़ा लिखा होता है सिग्नेचर में आकर उसको नाम का दस्तखत नहीं कर सकता लेकिन दिन भर के थकने के बाद अल्लाह उसको शाम को उसके मुकद्दर की दो रोटी दो बोटी उसको देता है मैं और आप अल्लाह के दिन का काम करें और अल्लाह मेरे बच्चों को भूखा मारेंगे अल्लाह की रहमत के खिलाफ है काली मिट्टी में काम करने वाले को रोजी के नबी में काम करके भूखे मारे नहीं हो सकता अर्जेंसी किया तुम एक फैमिली निर्भय से बता सकते हो तो तकलीफ में बर्बाद हो जाओ और इसी बारामती में ऐसी पचासों फैमिली आप बता सकते हो कुछ दिन आके लूटा कुछ शराब कहते लूटा कोई रेस कहते कोई मटके और जुए लॉटरी कहते भी लूटा सब रहे फरमाते थे मदार छंडा मंदिर से एक और मिनट पूरा आया दोनों तरफ की पूरी प्रॉपर्टियां बिल्डिंग के सब मुसलमान हो लेकिन ऐसी बर्बाद हुई ऐसे तबाह हुए रोना इस बात का हमारे निकाह अल्लाह की साथ पर कम होती है अपनी जेब पर ज्यादा होती है चला गया तो इसका क्या होगा उसका क्या होगा दुर्वाली को मेरे बगैर सोच नहीं मेरे बच्चे तो मेरे बगैर रहते ही नहीं हालांकि शैतान ये सब कहता है तू चला गया तो तेरे बाल बच्चों का क्या होगा तेरे घर का क्या होगा कारोबार का क्या होगा ये बदबू तब गरीब शहरी रहे दिशा जब हम गंदा देना शैतान तू उसको कुछ बगैर ईमान के बनाया गया तू कहीं चला गया तो तेरा क्या होगा मतलब ये यार मतलब ये दुनिया है डैड 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 करता है बच्चा अब्बा 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 करता है देखो तो माय सन करे बेटा बेटे 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 करता है और भी डैड 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 अब्बा अब्बा कहता है उसको खाली जेब खर्च देना बंद कर दो आप पूरे पूना में पूरे भारत में बदनाम है बोले मेरा बाप एक नंबर का कंजू सा कह रहे बाप को भी कुछ बोलता अरे बोले खर्चे बाप को पैसे नहीं देता कंजू जी तो क्या ये सब मतलब के यार है
अपनी औलाद की उम्र करवा ख्वाहिश अपनी घरवाली को उम्र करवा ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैं अपने आखिरों को डाउन पे लगाऊंगी कहा क्या करती है तुम खुद भी जहनम से बचो और अपने परिवार को भी जहनम से बचाओ और सब बाहर होता इसलिए मेहनतें क़यामत तक के आने वाली हमारी नस्ल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत की जहन्नम से बच जाए इसलिए मेहनत है तो शुरू में अर्ज़ किया कोई माई का नाम इसका दावा नहीं कर सकते कि मेरे को उसकी जरूरत नहीं हम सब होता है इसलिए तो ये कर लो कि इंशाअल्लाह मौत तक इस नाम को जिंदगी का मकसद बनाएंगे करोगे ना और उसको देखता पैदा है हमारे सामने ये 21-22 जुलाई से चार चार महीने की जमाते तो जुलाई शुरू हुआ अगर हम आप मौत तक जारी चाह रहे हैं चलो हिम्मत करके फिर होता है